गुड मॉर्निंग गाइस गुड तो जी ये देखें आज जैसा कि आपसे कहा था कि आज मंडे वाले दिन टाइम टू ट्रेवल की लॉन्चिंग होगी तो आज हम इसको लाइव करने जा रहे हैं और आपके साथ अभी थोड़ी देर तक लिंक भी शेयर होगा ताकि आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं और कहीं से भी आप कोई भी टिकट बाय करना चाहें तो वो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं अभी इसमें फर्स्ट फेज में सिर्फ टिकट एयर टिकट आप कर सकते हैं बाकी इसमें इन कमिंग फ्यूचर हम लोग इसमें ट्रेन बसेस और होटल रिजर्वेशन बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करने जा रहे हैं तो एंजॉय करें जी अभी हम आ, सारा यहाँ पे आ, ये मुस्तफा बे मुस्तफा भाई हैं एक सेकेंड ये मुस्तफ़ा भाई हैं टर्की से और फरहान टर्की से ये भी मुस्तफ़ा डॉक्टर मुस्तफ़ा टर्की से ये मिस जैनब है टर्की से ठीक है तो ये यहाँ पे आए हैं बाकी आपको पता ही है कि ऑफिस के सारे दोस्त हैं यहाँ पे तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो होपफुली आप इसको एंजॉय भी करेंगे और ये जी सीनियर इनको शायद आप जानते हो ये नबील भट्ट है तो सक्सेस स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है आपको पता ही है कि बी जो है अब इसका जो दौर हम कहते थे ना कि एक दौर आएगा तो वो दौर समझे कि आ चुका है क्योंकि अब हर जगह पे बी होगा हर पेमेंट गेट आज से देखिए आप जब टिकट्स बाय करना शुरू करेंगे तो आपको बी की जरूरत पड़ेगी और जिस तरह के हर जगह पे बी आ रहा है तो अब आपने खुद इमेजिन करना है कि अब क्या होने जा रहा है तो ये तो एक बिगिनिंग है इसके साथ साथ आपको पता है कि बी स्टोर भी, भी रेडी खड़ा है वो भी आने वाला है इसके साथ आपको पता है कि जैसे हमारा ओके एफ ठीक है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अब क्या क्या बताएं खुद भी भूल जाते हैं तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये अब है आस्ता आस्ता लाइव होंगे आगी आगी। तो वो जो दौर आएगा दौर आए वाली बात है ना वो दौर शुरू हो चुका है अपना ठीक है और ये देखें जी हमारे नए न्यू फोटोग्राफर मिस्टर असगर शाह हम इनको भी दिखाएंगे हाँ जी आवाम क्या इसे किसने बनानी चलेगी यहाँ से लाइव चलेगी ओके अच्छा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उस मीटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे इस छोटी सी एक्टिविटी के बाद और साइट को लाइव करके इवन के इसके ऊपर आप आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी ग्लोबली ट्रेवल करने के लिए किसी भी मुल्क मुल्क से किसी भी मुल्क जाने के लिए तमाम तर एयरलाइंस के ऊपर जो है वो आपके पास फैसिलिटी रहेगा कि आप बी जो है वो बी पे करके आप टिकट बाई कर सकेंगे और अभी थोड़ी देर में ये लाइव हो जाएगा और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसकी जो है वो इनोग्रेशन है या इसकी सिर्फ सेरेमनी है बल्कि आज जो है ये केक उसी वक्त कटेगा जब आपके पास लिंक होगा आप इसको टिकट्स को बाय करके और आप खुद से आज से यानी हमारी जिंदगी में आज के बाद जो है वो ट्रेवलिंग टाइम टू ट्रेवल के साथ ही होगी और अपने बी के साथ ही होगी और इवन जो अभी तक बी बाय कर चुके हैं जिनके पास बी है जो उसको होल्ड करके रखे हुए हैं और उनके लिए बहुत जबरदस्त है क्योंकि उनके लिए तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट बन जाएगा अगर किसी ने 18 20 की प्राइस पर बाय कर रखा है और जब वो टिकट बाय करने जाए और उस वक्त लेट सपोज 40 का हो तो इसका मतलब है टिकट का प्राइस तो ऑलरेडी 50 परसेंट रह गया अगर उस वक्त प्राइस हंड्रेड डॉलर हो बी का तो इसका मतलब है प्राइस ऑटोमेटिकली ट्वेंटी रह गया तो ये एक अलग से इंसेंटिव है जो बी की प्राइस से जुड़े हुए हैं तो ये एक तरह से बहुत ही जबरदस्त और अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें सबसे पहले जो बेनिफिट है वो जाहिर है कम्युनिटी के लिए क्योंकि आज ये बात आपसे शेयर हो रही है बाकी दुनिया को तो ये बाद में पता चलेगी कल पता चलेगी परसों पता चलेगी महीने बाद पता चलेगी छह महीने बाद पता चलेगी लेकिन वो लोग जो अर्ली क्योंकि अर्ली एडवांटेज होते हैं हमेशा हर जगह पर जो है वो अर्ली आने के एडवांटेजेस होते हैं तो इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से टाइम टू ट्रैवल जो है वो बिल्कुल आज लाइव होने के लिए जा रहा है आप देख रहे हैं केक के ऊपर भी आपको ताजमहल दिख रहा होगा Uh, ये सेवन वंडर्स में से एक है और यहाँ पर आपको जो है वो ईफल टावर दिख रहा होगा और यहीं पर आपको स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी भी दिख रहा होगा डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं ये ऑस्ट्रेलिया का कोई वो है आ, शायद जी आ, ओके और ये सारे वंडर्स हैं और पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं तो ये थे 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 कितनी देर में लाइव जा जा रहे हैं हम साइट कितनी देर में लाइव हो जाएगी असल या आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज ये है कि अभी उमर भाई ने अभी अभी कहा है कि जब भी हम टाइम टू ट्रेवल को लाइव करते हैं तो आ, कुछ ऐसा एक ऑफर भी मिलेगा आज के दिन में एक अच्छा प्रपोजल एक अच्छी जो है वो आपके लिए बहुत जबरदस्त कोई चीज आज के दिन में अनाउंस होगी तो वो तमाम लोग जो ट्रेवलिंग करना चाह रहे हैं ट्रेवलिंग के मूड में है और उनके पास बी मौजूद है तो उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज रहेगी कि वो अपना टिकट बाय करके कोई स्पेशल एक्सक्लूसिव बेनिफिट हासिल कर पाएंगे और जिनके पास मौजूद है मैं तो अभी थोड़ी देर में उमर भाई जब मीटिंग को स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके पास वो आपको बताया जाएगा कि वो प्रमोशन क्या हो सकती है हो सकता है कि सिर्फ एक टिकट के लिए हो सिर्फ पहले एक टिकट के लिए हो या इस तरह की भी कोई हो सकती है पहले टेन के लिए हो इस तरह की भी कोई हो सकती है ऐसा कोई अनलिमिटेड नहीं लेकिन ये भी अभी उन्होंने कहा कि आई कैन डू समथिंग लाइक दैट फॉर माई कम्युनिटी फॉर माई पीपल फॉर माई ब्यूटीफुल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी कैन डू एनीथिंग लाइक दिस और आज के आज के दिन में इस सेरेमनी के बाद जो है वो आ, जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस मीटिंग को उमर भाई और उस मीटिंग के अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे वो तमाम चीजें जो पिछले एक दो दिन से आ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ चल रही हैं जो चीजें हो रही हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके ऊपर भी आपको अपडेट मिल जाएगी लेकिन एक चीज जो है वो हंड्रेड परसेंट आप मेक श्योर sure कर लीजिए कि आपकी ब्लॉक चेन जो है वो दुनिया की बड़ी ब्लॉक चेन में शामिल हो चुकी है और अब आपके पास जो टारगेट है वो आपकी अपने बी एफ आई सी के लिए है आप जिसे टू मून कहते हैं वो कहने की जरूरत नहीं रहेगी बल्कि वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा और आज भी दिख रहा है आगे भी आपको कंटिन्यूसली दिखेगा कि किस तरीके से जो है वो आपका ग्रोथ आपकी जो है वो आपके पास आएगी आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपकी जो ब्लॉक है वो दुनिया की उन बड़ी ब्लॉक में शामिल हो चुकी है जिन्होंने एक करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन किए हैं तो बी एफ आई सी की ब्लॉक चेन वो ब्लॉक चेन है जो अभी तक एक करोड़ तीन लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन करा चुकी है आपकी ब्लॉक चेन जो है बी एफ आई सी की इस वक्त वो इस लेवल पर है कि उसके ऊपर अट्ठारह लाख नब्बे हजार से ज्यादा वॉलेट बन चुके हैं इस से भी ये दुनिया की बड़ी पांच सौ ब्लॉक चेंज में शामिल हो चुकी है और अभी आपका जो जर्नी है वो जर्नी है कि आपको

अभी पिछले चार दिन के अंदर चार एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो लिस्टिंग की न्यूज आप सुन चुके हैं और उनपे चेन इंटीग्रेशन हो रही है जिस दिन चेन इंटीग्रेशन हो जाती है इसका मतलब ये होगा कि उस दिन जो है खुरम भाई उसका मतलब ये है कि उस दिन से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे आज यहाँ और यस यस प्लीज भाई कोई है कर थे देगे। देगे। नहीं हेड वो है? है? आ, वो इधर वो 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 ve tamamen blockchain alt tabanlı, tamamen yüzde yüz blockchain alt tabanlı ve -hı. ve Tandy 2'de isteyenler tüm dünyada, bakın tüm dünyada bir FIC coin ile uçak biletleri alabileceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun ve bugün de e, açılışı var. Birazdan 5 dakika sonra tamamen tüm dünyada aktif oluyoruz. Bizi devam edin. Şey gelsin de olsun. Okey. Doğru. Ne Happy birthday to Tandy.

क्यों हो गया अच्छा दीवार परले ना बहुत बड़ा बना दिया हां ना कर ले ऐसे लगा पाया पीछे गेट ओके वंस अगेन या ओके ओके वैसे पर यही खिला देना ना बाद में रन को भी है चल चल चले भाई गेम खा पे टाइम टाइम को क्या है टाइम है वन इज टाइम

थैंक यू वेरी मच सिर्फ दो तीन मिनट दीजिए और हम इस सेशन को प्रॉपरली कंटिन्यू करते हैं और ये बाय चांस था कि टर्की से जो है हमारी टीम जो है बी की वो यहाँ पर मौजूद थे यू के अंदर स्पेशली वो आए थे तो वो भी इसका हिस्सा बन गए और मैं कह रहा था कि आप लकी हैं कि इस वजह से लकी हैं कि आप आए हैं तो आज के दिन में ये लाइव होने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने कहा हम तो अपने टिकट्स बाय कर चुके हैं मैंने कहा कोई बात नहीं आप जब नेक्स्ट टाइम के लिए भी आप बाय कर सकते हैं तो ये बड़ा अच्छा और बहुत ज़बरदस्त हो गया बी के हवाले से और अभी आप सिर्फ चीज़ें देखेंगे होती हुई देखेंगे आपको दिखेंगी चीज़ें क्योंकि जब आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री में किसी चीज का प्लान कर लिया जाता है तो फिर कोशिश की जाती है कि उसके ऊपर कंटिन्यूसली जो है आगे बढ़ा जाए और अभी हम उसी उसी के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और बी के हवाले से और बहुत सारी न्यूजेज आपको मिलेंगी कल की मीटिंग अगर मेरे किसी भाई ने सुनी है तो मैंने उसमें तस्करा किया था कि बी जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बाद में आकर के जुड़े जिनको जो है वो लग रहा है कि शायद फाइनल कार्ड हमारी कुछ और है तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इस पूरे सिस्टम की वो बीएफआईसी है बीएफआईसी की प्रोग्रेस का मतलब है कि आपके हर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस आज आप सिंपल इतना ही देख लें कि हम जिन जिन एक्सचेंजेस के ऊपर जाकर के बी को लिस्ट करवा रहे हैं उन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर हमारे लिए कल को बील टोकन को लिस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा अभी जिस एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं कोई एक्सचेंज पंद्रह दिन चाहती है कोई एक महीना चाहती है क्योंकि उनको आपकी ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करना पड़ती है लेकिन जब बी एफ आई सी की ब्लॉक चेन इंटीग्रेट कर लेंगे तो फिर उस चेन पे बनी हुई हर चीज वो आधे घंटे में लाइव कर सकते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज जो है, ये पे करेंगी ये ये सारी फैसिलिटीज जो है ये आपके लिए बेनिफिट लाएंगी ये आपके लिए जो है वो आपके हर एक एसेट के लिए बेनिफिशियल होंगी आज प्रमोशन का लास्ट डे चल रहा है आपको पता है एक परसेंट यूएसडी पे करके आप ले सकते हैं कल से जो है वो आपको बी एफ आई सी पे करना पड़ेगा और पांच परसेंट पे करना पड़ेगा इसलिए आज चांस है अगर कोई भी विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो आज के दिन में वो उसको उससे बेनिफिट उठा सकते हैं तो अभी अगले पांच मिनट के अंदर जो है वो मीटिंग को शुरू करें हैं ओके विल मीट टुनाइट ओके तो आज के दिन में जो है वो आ, चेन को लाइव करने के लिए जा रहे हैं और तो अभी इस अगले पांच मिनट में सेशन को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ जो है वो जी 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 मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा मैं उमर भाई को को होस्ट करूं आ, वैसे तो होना चाहिए उनको ऑलरेडी बट जी ठीक है ठीक है और भाई आपको भेजा है इनविटेशन एक्सेप्ट क्लीज तो आप लोगों के लिए है कि सिर्फ इतना आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए और इतना जो आपको अभी चंद दिन पहले बताया गया कि अब जो है वो आपका पूरा जो आ, आपकी आ, जो टारगेट है और जो पूरा आपका फोकस है वो बीएफआईसी जो है उसकी कोलेबोरेशन के ऊपर बीएफआईसी का जो है यूजिलिटीज के ऊपर और क्योंकि बी ग्रो करेगा तो पूरी कंपनी ग्रो करेगी ये राइट right ट्रैक है ये वो डायरेक्ट ट्रैक है जो आपकी कंपनी ने अडॉप्ट किया है और जैसा उमर भाई ने खुद ये तस्करा किया कि सम टाइम आप जो है वो डी ट्रैक हो जाते हैं सम टाइम आप जो है कोई ऐसा डिसीजन कर लेते हैं सम टाइम कोई ऐसी चीज कर लेते हैं जो उस वक्त टाइम के लिहाज से बेहतर होती है लेकिन ओवरऑल आपके गोल से थोड़ा सा आपको डी ट्रैक कर देती है लेकिन आप अपने ट्रैक पर बैक हैं और ये कहने की बात नहीं है आप देख रहे होंगे आप देखेंगे आगे भी अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन हो रही थी कि मैंने उमर भाई से कहा कि लोग शायद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद जब ये पचास डॉलर पे जाएगा या शायद हंड्रेड डॉलर पे जाएगा तो ऐसा है कि शायद टच करके वापस आ जाएगा बल्कि अभी मैं समझता हूं कि उस तरह की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं उस तरह की स्ट्रैटेजी के ऊपर चल रहे हैं कि जब आप इसको पचास डॉलर या सौ डॉलर पर देखेंगे तो खड़ा देखेंगे आप उसको स्टैंड करता हुआ देखेंगे कि यहाँ पर अपनी यूजिबिलिटी की बेस पे खड़ा है अपनी यूटिलिटी की बेस पे खड़ा है और वो सॉलिड बेसिस के ऊपर खड़ा होता है जब यूटिलिटी और यूजिबिलिटी की बेस पे खड़ा होता है इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये स्लो बढ़ रहा है बढ़ रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट आपने चौदह से पंद्रह गेन किया है पंद्रह से सोलह गेन किया है सोलह से सत्रह गेन किया है सत्रह से अठारह पे खड़े हैं शायद अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था अठारह था अभी मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है लेकिन आपका जो है वो आपका ये उन ग्राउंड्स के ऊपर है जो आपकी रियल टाइम के ऊपर ग्राउंड्स क्रिएट हो रही हैं अभी आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको एक्सचेंजेस के जब लाइव ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी वो एक्सचेंजेस जो अनाउंसमेंट कर रही हैं अभी सिर्फ अनाउंसमेंट का इंपैक्ट है अभी उन पे ट्रेडिंग शुरू होनी है मैंने डीप कॉइन का आपको बताया था सेवन बिलियन डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम उस एक एक्सचेंज का है सिर्फ जिसमें डिफरेंट क्वेंस जो है वो ट्रेड होते हैं इसी तरह पोलोनिक्स दुनिया की बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर आती है है इसी तरह जो है वो आ, आ, जो वो कल जिसकी लिस्टिंग जिसकी लिस्टिंग अनाउंसमेंट हुई है बाईकोनॉमी वो 19 नंबर की एक्सचेंज है तो इसी तरह से आपकी आज कैटेक्स के ऊपर आपकी लिस्टिंग हुई है कल कोई और होगी परसों कोई और होगी कॉन्टिन्यूसली आपकी एक्सचेंजेस की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट आ रही है और ये अनाउंसमेंट्स हैं उसके बाद जू जू ब्लॉकचेन इंटीग्रेट होती जाएगी इन एक्सचेंजेस के ऊपर आपके पेयर नजर आना शुरू हो जाएंगे उन पेयर में ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगी जब ट्रेडिंग होगी तो उनके अंदर नए बायर्स आएंगे जिनका नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं होगा और इसके अलावा उन एक्सचेंजेस उन पे ऊपर वो बायर आएंगे जिन्होंने आपकी यूजिबिलिटी के लिए परचेज करना है जिनको टाइम टू ट्रेवल के अंदर खरीद कर लगाना पड़ेगा जिनको आपकी गेम ओके के लिए खरीद कर लगाना पड़ेगा जिनको आपके अपना सुपर इलेवन के लिए खरीद कर लगाना पड़ेगा जिनको आपके वर्चुअल मीट के लिए लगाना पड़ेगा जिनको आपके ओके एफ के लिए लगाना पड़ेगा जिनको आपके जो है वो बी स्टोर के लिए लगाना पड़ेगा इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए जो बिल्कुल तैयार है जो नवंबर के महीने में लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है उन सब जगहों पे लोगों को बी एफ आई सी लगाना पड़ेगा तो आप देखेंगे कि किस तरीके से रियल यूजिबिलिटी की बेस के ऊपर आपकी ग्रोथ होगी आप आगे बढ़ेंगे

आज के दिन तक भी लोगों ने यहां से फायदा कमाया है कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं एक करोड़ पे लेकर आया था और मैं खाली हाथ यहां से गया हूं लेकिन ऐसी दस हजार मिसालें मिल जाएंगी कि मैं खाली हाथ आया था और मैं करोड़ों लेकर गया हूं तो ये प्लेटफॉर्म की पावर है ये सिस्टम की पावर है और हर एक आदमी लाइबिलिटी फ्री है सिस्टम ऐसा खूबसूरत है कि किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है हम बुलेटो की बात कर रहे थे बुलेटो के अंदर से तीस तीन करोड़ डॉलर की रेवेन्यू लोग कमा चुके हैं पीपल्स अर्निंग अर्निंग जो जो है है लोगों की नेटवर्क की अर्निंग है रेफरल करने वालों की अर्निंग है वो तीन करोड़ डॉलर से ज्यादा हो चुकी हुई है उस ऐसे प्रोजेक्ट में जिसको अभी सिर्फ अपनी बेसिक्स पर ही खड़ा हो रहा है जिसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये लग, हमें लगता है कि कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं है तीन करोड़ डॉलर थर्टी मिलियन डॉलर यहां तीन मिलियन डॉलर का कंपनीज बिजनेस नहीं करती हैं और यहां पर वो कंपनी आपकी जो हजारों मिलियन का बिजनेस करके हजारों मिलियंस डिस्ट्रीब्यूट करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से आज भी स्टैंड करती है खुद भी लाइबिलिटी फ्री स्टैंड करती है और उसके साथ काम करने वाले भी लाइबिलिटी फ्री स्टैंड करते हैं क्योंकि तो प्लेटफॉर्म में ताकत है फ्यूचर ब्राइट है पास्ट ब्राइट था प्रेजेंट भी ब्राइट है एवरी इज मेकिंग मनी हर कोई जो काम कर रहा है वो पैसे बना रहा है तो ये खूबसूरती है सिस्टम की और फिर आगे जो बी का रोड मैप आप आपके सामने आया है इसी बी की कामयाबी जो है वो हंड्रेड शर्त है कि बी की कामयाबी है आपका बी एफ आई सी सक्सेसफुल है इसका मतलब आपका बी एलवी सक्सेसफुल है और मैं कल की मीटिंग में मैंने जिक्र किया वो जोशे खताबत नहीं था वो मैं ऑनेस्टली कह रहा था कि अगर आपका बी एफ आई सी पांच सौ डॉलर की प्राइस पे ट्रेड होता होगा आपका बी एल वी पी टू पी में दो डॉलर पे चला जाएगा एक्सचेंजों की बात तो छोड़ दें अगर आप सक्सेसफुली 500 डॉलर पे BFIC को ट्रेड करा रहे होंगे तो हर एक बंदे को पता होगा कि जिस कंपनी ने 10-11 सेंट की प्राइस से BFIC को उठाकर ढाई तीन साल के अंदर 500 डॉलर पे खड़ा कर दिया, है वो कंपनी अपने 10-20 सेंट वाले क्वाइन BLV को उठाकर भी वहां पर खड़ा कर सकती है दो चार दस बीस डॉलर की प्राइस के ऊपर तो आपका पी टू पी के अंदर उसका प्राइस क्या हो जाएगा आप ये नहीं सोच सकते एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो क्या रिस्पॉन्स आएगा किस तरह से आएगा वो सारी चीजें मार्केट के मुताबिक डिपेंड uh, कर रही होती है किस टाइम पे आप लॉन्च कर रहे हैं किस रन uh, में आप लॉन्च कर रहे हैं किस तरह की यूजिबिलिटीज के साथ कर रहे हैं और बीएलवी के बारे में ये कहता हूं कि बीएलवी की सक्सेस तो इससे ज्यादा जल्दी आ जाएगी क्योंकि बी को तो यूजिबिलिटीज क्रिएट करने में टाइम लगा अभी ढाई दो सौ सत्तर दिन शायद बकाया पड़े हैं बी एल वी की ट्रेडिंग में बीएल की यूजिबिलिटीज में लेकिन आपके पास टाइम टू ट्रेवल रेडी हो गया अगर आज के दिन में तो 270 दिन चला हुआ प्रोजेक्ट जिसके अंदर बी तो, uh, तो तो मिल जाएगी उसको चल रहा होगा इंतजार नहीं करना पड़ेगा एक तरफ यूजिबिलिटी चल रही है इसी तरह अगर आप बात करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की फॉरेक्स वाले उसको बनाने में कितना टाइम लग गया लॉन्च हो रहा पिछले कोई आठ महीने से फॉरेक्स का प्रोजेक्ट आपका बिल्ड हो रहा था जो अब इस महीने में लॉन्च होने के लिए जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि उस प्रोडक्ट में 270 दिन तक चलने के बाद कितनी मेच्योरिटी आ चुकी होगी कितना बड़ा वॉल्यूम आ चुका होगा और वो वॉल्यूम जब बीएलवी के साथ शेयर होगा तो बीएलवी के लिए क्या रिस्पॉन्स निकलेगा तो वो तमाम यूजिबिलिटीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं होपफुली फुली के हम अगले तीन महीने के अंदर दस के करीब यूजिबिलिटीज के अंदर बी को बड़े मैसिव लेवल पे इस्तेमाल करा रहे होंगे वर्चुअल मीट आपका बहुत करीब है फुल ऑन आपका बहुत करीब है पर आपके बी एफ आईसी की तो सोचिए जब 250, 300 दिन के 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 बाद आप ऊपर को कराएंगे तो BLV के पास भी रियलबिलिटी होगी आज भी billions का सर्कुलेट कर रहा है बी आपके में होना चाहिए। रुपीज में देखें तो बिलियंस ऑफ रुपीज का BLV सर्कुलेट कर रहा है जबकि वो अभी एक्सचेंजेस पर मौजूद नहीं है उस प्राइस की बात कर रहा हूं जिस प्राइस पे लोग लेते देते खरीदते बेचते हैं उस प्राइस की बात कर रहा हूं। कि ये पावर है आपकी ये आपका फ्यूचर ये आपके फ्यूचर को बताता है और thank ऐसी कोई बात नहीं जी सर जी थैंक यू वेरी मच बड़ी लोग आए हुए हैं अच्छा तो गाइस जल्दी से अपने लोगों को शेयर करें क्योंकि आज बी लव के हवाले से बड़ी एक बड़ी न्यूज़ है आपके साथ शेयर करने वाली तो आप दोस्तों को इनवाइट करें अपने जितने भी हैं अभी 8800 80, के करीब लोग हैं तो टेन थाउजेंड प्लस होते हैं तो फिर हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो कि रिसेंट न्यूज है सबसे पहले तो जी अभी आपके साथ इंडियन सॉरी पाकिस्तानी सॉरी दुबई के आठ बजे टाइम टू ट्रेवल का लिंक आपके साथ शेयर होगा और इसमें आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि जो भी मेंबर सबसे पहले टिकट बाय करेगा यानी कि आप अपना फंड डिपॉजिट करके जो भी पहले सबसे पहले कहीं की भी टिकट बाय करेगा उसकी वो टिकट जो है उसको उसकी टिकट के पैसे कंपनी जो है वो वापस रिटर्न कर देगी तो ये एक सरप्राइज है जी टाइम टू ट्रेवल के वाले से आप लोगों के लिए और पेमेंट गेट वे आपको पता है कि बी है तो देख लें जो फ्री में टिकट लेना चाहता है वो जैसी लाइव हो टाइम टू ट्रेवल आपने क्या करना है अपना अकाउंट क्रिएट करना है उसके ऊपर और वहां पर डिपॉजिट करके टिकट बाय करनी है आपने जो भी पहला बंदा होगा जो टिकट बाय करेगा उसको कंपनी की तरफ से रिटर्न हो जाएगी उसकी टिकट की वैल्यू और उसके पैसे टिकट जितने की भी हो ड मैटर कोई मसला नहीं है तो आज की मीटिंग जो है वो टोटली टोटली अगर हम कहें तो ये बी लव और इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर होगी लेकिन डिस्कशन इसमें हम सारी करेंगे लाइक like के हमने अपनी आज तक जो किया और उसका जो बेनिफिट हुआ कम्युनिटी को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ जुड़ा बी लव का क्या फ्यूचर है ये हम डिस्कस करेंगे तो अपने टीम्स को रेफर करें जितनी जल्दी हो सकता है ये लिंक और फिर हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं इतनी देर में हम अपने दोस्तों से क्वेश्चन कर लें कि हाँ जी रेडी हैं टिकट्स बाय करने के लिए आप लोग जी संजीव जी हमारे साथ हैं हमारे साथ साहिल है शिवा में हमारे साथ यस यस उमर भाई रेडी हैं ठीक है जैसी लाइव हो तो हम लोग टिकट बाय करते हैं कहाँ की करेंगे सब दुबई की करेंगे अपने अपने ठिकाने की करेंगे <laughs> अच्छा ठीक हो गया जी वेलकम जी वेलकम अच्छा और जी आपने देखा आज टर्की से टीम आई भी थी आ, वो भी अपनी यानी कि उन्होंने भी हमारे इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में पार्टिसिपेट किया जी हमारे साथ जो दोस्त हैं बताएं जी अपना आप लोग क्या सोच रहे हैं टाइम टू ट्रेवल के वाले से मैं थोड़ा सा बता दूं आपको टाइम टू ट्रेवल में भी रेफरल सिस्टम है आपके स्पॉन्सर से कोई भी मेंबर कोई भी टिकट बाय करता है जितने की भी टिकट बाय करेगा उसका फाइव परसेंट आपको आएगा और जो टिकट बाय कर रहा होगा उसको इसका फिफ्टीन परसेंट कैश बैक जो है, वो उसको मिल रहा होगा तो ये एक आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी और मैं इसको बताऊंगा कि अब आने वाले चंद महीनों में होने क्या वाला है आज की मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है बहुत जबरदस्त होने जा रही है जहां पे आपके विजन कॉन्सेप्ट और रोड मैप आपका क्लियर हो जाएगा बी एफ आईसी और बील के वाले से तो ये यूटिलिटीज जो आ रही हैं ये कोई आम यूटिलिटीज नहीं है ये एक रेवोल्यूशन है हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक रेवोल्यूशन है और अन करीब इसी मंथ में आपको दो नए यूनिक प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं जो कि डेवलप हो चुके हैं वो सरप्राइज इसलिए रखे हुए थे क्योंकि हमारे आपको पता है आइडियाज चोरी होते हैं तो बैकहेंड पे जिस तरह मैं पहले आपको कह रहा था कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं तो अब आप देखिएगा कि विदाउट रेफरल एक प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च होने जा रहा है इसी महीने में इतना को आउट क्लास प्रोजेक्ट है लेकिन वो बी एफ आई बी स्टोर से रिलेटेड है टाइम टू ट्रेवल से रिलेटेड है ये इको एक में आ रहा है प्रोजेक्ट और आप वहां पे पर डे आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी आप एक हजार डॉलर करते हैं दस हजार डॉलर करते हैं पचास हजार डॉलर करते हैं एक करोड़ डॉलर करते हैं, जितना भी करें पर डे आप वन परसेंट डेली कमा रहे होंगे दुनिया का एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी लेकिन आप पर डे वन परसेंट अर्न कर रहे होंगे ये एक बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि लेकिन एक और शर्त है कि वो फंड्स जो आपके हैं वो बी में होंगे ठीक है तो इतनी फास्ट अभी तक आपने माइनिंग के प्रोजेक्ट्स में बी लव का जिस तरह हमने कहा कि जी ये कहीं पे 500 दिन से पहले ट्रेड नहीं हो सकता एक्सचेंजेस पे नहीं होगा या हमने इसका कहा कि आपको इसमें यूटिलिटीज आएंगी दो डॉलर पे आएगा मंथली बेसिस पे आपकी बर्निंग होगी कॉइन्स बढ़ेंगे यहां पे आपको क्या है ना ये बाइनरी प्लान है ना ये मैट्रिक्स प्लान है ना ये लेवल इनकम है ये कॉन्सेप्ट है ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी आपके पास है उसका वन परसेंट आप पर डे कमा रहे होंगे बी लव में वन परसेंट इन शेप ऑफ टोकन मिल रहा था तो लोग बड़ा खुश थे और मजे की बात कूं इसमें पानी की बोतल देखा मजे की बात यह है कि इसमें कोई भी डाउनलाइन अपलाइन नहीं होगी इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोग पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं वो लोग आएंगे और ये इतना रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है ये हम मे भी आपको इस वीक में लॉन्च कर दे या मे बी नेक्स्ट वीक में लॉन्च कर दे। देखिए अब हम आए अपने राइट ट्रैक के ऊपर तो जब हम राइट ट्रैक के ऊपर आए हैं तो जो हमारी तीन साल की तपस्या थी या स्ट्रगल थी या जिस चीज के लिए हम तीन साल से काम कर रहे थे अब हम उस स्टेज पे हैं कि अब हम डिलीवर की पोजीशन में आए हैं अब आएगा मजा और मुझे नहीं लगता कि अभी अब आपकी कंपनी के मुकाबले की कोई कंपनी है पूरी दुनिया में क्योंकि ये रियल यूटिलिटी बेस्ड है और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अभी हमारी एक कोलाब्रेशन हुई है एक कंपनी के साथ जो कि थोड़े दिन में आ, कल परसों चौथ में आपके साथ वो अपना शेयर भी करेंगे वो दुनिया की पहले नंबर की एक कंपनी है किस क्रिप्टो इंडस्ट्री की उसके साथ कॉलोब्रेशन हुई है और आप देखिएगा कि गेम क्या होती है बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमने आज से छह महीने पहले की हुई थी साल पहले की हुई थी डेढ़ साल पहले की थी लेकिन टाइम नहीं मैच हो रहा था चीजें बैकहेंड पे चल रही थी वर्किंग बैकहेंड पे चल रही थी बहुत सारी कुछ चल रही थी लेकिन कंप्लीशन नहीं हो रही थी अब जाके वो चीजें कंप्लीट हुई हैं अब आप देखिए डेली बेसिस पे आपको नई से नई न्यूज मिल रही है लाइक like, एक्सचेंजेस यार मैं प्लीज डेली बेसिस पे आप देखें कि एक्सचेंजेस आ रही हैं और ये सिलसिला अब चलता रहेगा और ये एक्सचेंजेस के ऊपर क्या हो रहा है बी एफ आई सी की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो रही है एक दफा बी एफ आई सी की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो गई उससे रिलेटेड जितने भी टोकन है वो उन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करवाना सिर्फ दो से तीन दिन लगते हैं क्योंकि ब्लॉक्शन इंटीग्रेशन में मसला होता है तो हम लोग अपने बी एल वी के फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं हम लोग अपने बी कम्युनिटी को एक अच्छी पोजीशन पे एग्जिट दिलवाने की तरफ जा रहे हैं डेली प्रोजेक्ट्स डेली यूटिलिटी डेली एक्सचेंजेस बहुत सारी चीजें डेली चल रही हैं अल्टीमेटली क्यों क्योंकि हमने बी लव uh, की कम्युनिटी को अच्छे बेनिफिट के साथ एग्जिट दिलवाना है कैसे दिलवाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ आज की मीटिंग में मैं आपके साथ स्टार्ट शेयर करूंगा तो बी लव की कम्युनिटी देखें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट मैं आपको हमेशा से कहता रहा किस लिए इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि बी लव की कम्युनिटी से हमें करोड़ों लोगों ने जाना और इस कम्युनिटी को हम बेनिफिट दिलवाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे हर प्रोजेक्ट में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे जब हर प्रोजेक्ट में करेंगे तो अल्टीमेटली बेनिफिट होगा अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं मुझे कल के दिन में एक वॉइस मैसेज हमने किया परसों और कल के दिन में बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आए मुझे मैंने कुछ सुने ज्यादातर मैंने नहीं भी सुने जी। एक सेकंड होल्ड कीजिए ना हाँ नहीं तो लेट क्यों अच्छा जी बहुत सारे हमें मैसेजेस आए बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आए बहुत सारी सजेशंस आई और अच्छे अच्छे लीडर्स जिनके बारे में हम अक्सर जिक्र भी करते हैं बड़े अच्छे उनमें लीडर्स भी थे उन्होंने क्या किया कि इधर से मैसेज उनको किसी टीम की तरफ से आया और उन्होंने साथ ही आगे फॉरवर्ड कर दिया कंपनी को लेकिन मैं आपको बताऊं कल के दिन में बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बने हुए थे बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट बने हुए थे बहुत सारे लोग स्ट्रेटजिस्ट बने हुए थे यानी कि डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज और मशवरे और ये वो सारा कुछ बहुत सारी चीजें थी विदाउट नंबर्स विदाउट स्टैट्स विदाउट किसी और चीज के तो जब वो सारी चीजें मैंने सुनी ना तो उन दोस्तों के हवाले से मैं बता दूं कि वो ऐसे लोग थे जो जिनो, जिन लोग जिनों जिन लोगों ने मशवरे दिए वो ऐसे लोग थे कि आज अगर हम उनको पान सिगरेट की दुकान खोल देना तो यकीन माने उनसे वो भी ना चले मैं आपको बड़ी सही बात बता रहा हूं कि पान पान की दुकान खोल लेना वो उनसे वो ना चले और वो इनोवेशन फैक्ट्री को मशवरे दे रहे थे विदाउट स्टैट्स आपके मशवरे हमारे लिए बहुत अच्छे हैं हम उसके ऊपर बिल्कुल ऑन करते हैं उनको आपके मशवरों की कदर है लेकिन अगर कोई विदाउट स्टैट्स मशवरे दे तो वो इंसान मुझे इंतहाई बुरा लगता है माजरत के साथ ठीक है कि आप कैसे मशवरा दे सकते हैं आपके पास स्टैट्स ही नहीं है आपके पास नंबर ही नहीं है आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं है आप कैसे मशवरा दे सकते हैं एक काम कर लूँ जरा मैं उसकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है टाइम टू ट्रेवल की एक टिकट कंपनी बाय कर रही है मैं ज़रा उसके लिए फंड्स दे दूँ मैं साथ अपनी डिस्कशन शुरू करता हूँ क्या कहते हैं मैं सही कह रहा हूँ क्या नहीं सही कहा सर एकदम कल ऐसा ही हो रहा था तो बात क्या है कि आज मैं आपकी सारी बातें जो मेरे तक पहुंची जो मैंने सुन ली अव्वल तो मैं ज्यादा सुनता नहीं इस तरह के फजूल मैसेजेस जो सुन लिए मैं उसका जवाब देता हूं आपको ओके okay. चलें जी आ, कोई मुझे बताएगा कि कल कैसे कैसे लोगों ने क्वेश्चंस किए मैं बता देता हूं बल्कि आपको कल एक बंदे ने मुझे मैसेज सुना उसने कहा कि सर बी लव जो आप वन परसेंट चार्ज कर रहे हैं उसको बी लव में ले लें ठीक है ये बहुत सारे लोगों ने ये मशवरा दिया दूसरे किसी ने मशवरा दिया जी कि सर आप 500 सौ दिन इसको फ्री करें ठीक है कोई मशवरा दे रहा था कि सर आप इसको आ, आ, क्या नाम उसका बर्न ना करें इस तरह के सारे मशवरे जो थे बहुत सारे आ रहे थे तो मैंने सोचा कि यार कैसे लोग विदाउट मशवरे दे सकते हैं विदाउट स्टैट्स तो एक गुड न्यूज है आपके लिए बल्कि दो न्यूज है बताएं कौन सी शेयर करूं पहले गुड न्यूज के बैठ दोनों कीजिए सर जब गुड न्यूज है तो दोनों ही कर दीजिए नहीं नहीं पहले बैड न्यूज शेयर कीजिए फिर गुड न्यूज सुनेंगे नहीं नहीं दोनों ही दोनों ही गुड न्यूज है शिवेश जी अरे प्रभु तो दोनों एक साथ नहीं बोलेंगे वन बाय वन बोलेंगे चले मजे की बात करते हैं दोनों बैड न्यूज है और बताएं आप कौन से शेयर करें <laughs> सर जो आपको अच्छा लगे वो बस, कर दीजिए खान साहब हमारे लिए आप शेयर अच्छा कर रहे हैं हां आप शेयर करें गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ हम लोग डिसाइड कर लेंगे ओके okay. <laughs> वो भी सही तो, है गुड तो, न्यूज़ ये है या बैड न्यूज़ ले आपको कि कल से पेमेंट जो बिल ऑफ की जो विड्रॉल चार्जेस हैं पहली बात तो ये है कि वो 1% वाली जो ऑप्शन थी ना पहली न्यूज जो थी कि जी हम महीने में एक दफा वन परसेंट देंगे वो ऑप्शन नहीं देंगे अब हम पहली चीज दूसरी चीज ये जो बीएफआईसी का पेमेंट गेटवे लगना था के ऊपर कंपनी ने जो लगाना था वो भी नहीं लगाएंगे अब यूएसडी में लगेगा तो ये दो न्यूज थी आपके लिए ठीक है उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी लगी होंगी वाकई दोनों बोलेंगे दोनों बुरी लगी है बुरी लगी है ना मैंने आपको कहा था और ये भला किस लिए आई है न्यूज बहुत सारे लोगों ने मुझे ना अजीबो गरीब बातें की बल्कि एक लेडी थी उन्होंने मुझे कहा कि जी आप 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 ले रहे हैं ये ये है ये आप बदमाशी कर रहे हैं ये है वो मैं अच्छा जी चलो आज आपको मैं इसका जवाब देता हूँ मैं करने लगा स्क्रीन शेयर देखना अगर लगे जिस जिस बंदे ने मशवरा दिया अगर उसको लगे ना कि उसने कल गलत मशवरा दिया था ठीक है तो थोड़ा सा जो है ना शर्मिंदा होना बनता है उसका अब तसल्ली से जरा आज सुनना मुझे आज कोई जल्दी नहीं है लेकिन मैं आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और उसके बाद में आपसे मशवरा लूंगा कि हमें फाइव परसेंट लेना चाहिए या एक दी ऑप्शन देनी चाहिए मजीद वन परसेंट वाली हमें बी एफ आई सी लगाना चाहिए विडड्रॉल के लिए वन परसेंट या फाइव परसेंट या हमें यूएसडी टी लगाना चाहिए ये आप लोगों ने बताया कितना कॉइन स्टेक पे है तकरीबन सत्तर लाख जिसमें से छ सात लाख मार्केट में होगा तो छह सात लाख अगर मार्केट में है ना तो इसका मतलब है कि कंपनी ने सिर्फ छह सात लाख बेचा था सत्तर लाख टोकन जो है कॉइन जो है बी एफ आई सी का वो कंपनी ने लोगों को एज अ फ्री रिवॉर्ड में दिया तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सत्तर लाख को हम एवरेज कि फॉर एग्जांपल चौदह पे भी गया चालीस पे पैंतालीस पे भी गया ये एवरेज हम लगा लेते हैं इसको बीस डॉलर कितना बना जी 14 करोड़ डॉलर कंपनी ने तीन सालों में डिस्ट्रीब्यूट किया ओके okay? अब हम अगली कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जो कैलकुलेशन की थी वो भी यहां पे मैं दिखा नहीं सकता वो तकरीबन कंपनी ने 40 मिलियन 4 करोड़ डॉलर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में दिया पहले मैंने BFSI नेटवर्क की बात की फिर मैंने इसकी की अब हमने क्या किया मैं अपना एस्टीमेट बता रहा हूं के तकरीबन साढ़े अठारह अरब टोकन साढ़े अठारह अरब टोकन दिया कंपनी ने बी लव रिवॉर्ड में अब हम इसको एवरेज प्राइस लगा लें क्या एवरेज प्राइस लगाए जी बताएं कि ये अठारह रुपए पाकिस्तान में भी बिक है और एक रुपए पे भी बिका है ठीक है तो एवरेज प्राइस क्या लगाए तो तीन चार रुपए लगा रुपए, नहीं तीन रुपए लगाते हैं तीन रुपए तीन रुपए ठीक है तीन लगा लेते हैं एवरेज अब इसको हम डिवाइड करते हैं जो PKR में डॉलर रेट है टू नाइनटी एट कितना हो गया 18 करोड़ बासठ लाख डॉलर अठारह करोड़ बासठ लाख डॉलर मतलब के एक सौ छियासी मिलियन डॉलर यह कंपनी ने बी लव में डिस्ट्रीब्यूट किया ओके जी अब ये एक सौ छियासी मिलियन डॉलर किसने लिया ये भी थोड़ा बता देते हैं ये आप लोगों को मिला आपने कॉइन रिवॉर्ड में मिला आप लोगों ने बेचा और जिसको बेचा उससे दो आई में जो लिए थे आपको पता है कोई जितने आए थे उससे कई गुना ज्यादा लग चुके हैं अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं आज मेरी बातें जरा गौर से सुनिए आपने और जाए कोई ना और अगर किसी ने दोबारा उल्टा मैसेज किया मुझे किसी का भी मैसेज फॉरवर्ड किया तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर देना है वो बेशक टॉप का लीडर हो या जो मर्जी हो ये बात में रखें मेरे पास सारी न्यूज पहुंचती है आप लोगों के लिए इतला के लिए अर्ज है कि जब कंपनी शुरू हुई थी तो इसमें चार पार्टनर्स थे ठीक है और जिसमें से तीन पार्टनर्स कंपनी का सारा पैसा लेके साइड पे हो गए थे और मैं खड़ा रहा खाली हाथ कंपनी को चलाया और यहां तक लेके आया आगे लेके आया क्यों किया ऐसा किसके लिए किया आप लोगों के लिए क्यों क्योंकि वो कहते थे कि कंपनी बंद करो उनकी समझ के हिसाब से कंपनी नहीं चल रही थी तो मैंने कहा कंपनी तो बंद नहीं होनी भाई आप बताओ कैसे एग्जिट हो गए तो पैसा देके उनको साइड पे कर दिया अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए आप लोगों को लॉ से बचाने के लिए और अगर ये उनकी बात मान भी लेता तो पैसा डिवाइड हो जाना था और कंपनी जो थी इस तरह की बहुत सारी लाखों एग्जाम्पल है, लाखों है। बंद बंद हुई है ये हो जाती कोई अनोखी काम नहीं होना था लेकिन आपके भाई ने पैसा दे के कंपनी को स्टैंड किया कंपनी ले ली कम्युनिटी ले ली और कंपनी यहां तक पहुंची उसके बाद आपने इतना पैसा बना लिया तो ये बात भी जरा आपने गौर रखनी है कि सेक्रीफाइस किसने किया और किसके लिए किया और जो लोगों को जिन लोगों को ये लगता था कि उनके हिसाब से कंपनी नहीं सही चल रही यानी कि मैं अगर फैसले करता था मेरे डिसीजन थे और मेरी स्ट्रेटजीज थी वो सही नहीं चल रही थी तो जब उन्होंने अपना दिमाग लगा के अपना हिसाब से अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो आज आपने उनकी देख ली कि उनकी कितनी समझ थी कितनी अकल थी और क्या किया बहुत बहुत समझदार लोग आए बहुत बहुत समझदार लोगों ने मशवरे दिए जब खुद करना पड़ा ना तो पता चला कि बेड़ा गर्क करवा दिया तो बेहतर क्या है कि जो कर रहा है जिस तरह से कर रहा है उसके साथ खड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा अगर आप लोग इस तरह करेंगे कहते हैं तो मैं ट्रेलर दे देता हूं आपको कोई बात नहीं मेरे लिए बी एफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो एक्सपेरिमेंट हमने उसमें नहीं किया इसमें कर लिया अब आप बी लव की बात मैं करने लगा गौर से सुननी है कंपनी ने क्या कहा जी कंपनी ने पहले दिन कहा कि भाई जो रिवॉर्ड है वो तो छोड़े उनको मैं आपको कंपनी की बात कर रहा हूं पीटीएफ में लिखा कि कंपनी जब चाहे जिस तरह का चाहे चेंज कर सकती है प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए दूसरा कंपनी ने क्या कहा कि हम 500 दिन तक इसकी कोई यूटिलिटी नहीं देंगे 500 दिन तक हर महीने बर्निंग होगी जिसकी वजह से प्राइस अप्रिशिएट होगी और जो बंदा 1250 डॉलर के 0.0125 के हिसाब से एक लाख टोकन लेगा वो दो डॉलर पे कंपनी उसको एक साथ पचास और वहां यूटिलिटीज क्रिएट करेगी कि लोग वहां पे दो डॉलर पे एग्जिट ले ऐसा ही कहा जी कोई लफ्ज अगर मेरा ऊपर नीचे हो तो मुझे जरा आपने रोकना है बताया जी नहीं यार ठीक ही बिल्कुल ठीक है बिल्कुल है। यही कहा मैंने ओके थैंक यू वेरी मच तो कंपनी ने क्या मैं ने कहा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ हम 500 दिन तक यूटिलिटीज बनाएंगे उनको चलाएंगे और 500 सौ दिन एक ही दिन में 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करेंगे और दूसरी साइड पे यूटिलिटीज जो है वो इतनी बन चुकी होंगी कि जब आप लोग बेचने जाएंगे पांच दिन बाद तो उस वक्त आपका बायर उससे ज्यादा वैल्यू का खड़ा होगा जो कि आप बेच के अपने यानी कि दो डॉलर के हिसाब से या ऊपर थोड़ा बहुत हो जो भी हो उस रेट पे आप अच्छे रेट पे प्रॉफिट में निकल जाए राइट ठीक है बराबर बराबर है ओके अब एक बंदा फॉर एग्जाम्पल बारह सो पचास डॉलर लगा लिए फाइव एक्स कॉइन लेके अच्छे खासे दो तीन दफा उसको सर्कुलेट करके कंपाउंड करके अच्छे खास पैसे निकालिए या हम एक बात करते हैं जिसने फॉर एग्जाम्पल जो बहुत सारे लोग समझदार कहते हैं हमने तो अभी लगाया था हमें तो रिवॉर्ड ही नहीं आया ठीक है तो हम मान के चलते ऐसे बंदों को ले लेते हैं वो ज्यादा बेहतर समझ आएगी जिन्होंने कमा लिया वो बहुत अच्छी बात है एक बंदे ने पाकिस्तानी एक रुपए पे लेके एक लाख रुपए के एक लाख टोकन ले लिए ठीक है अब वो डॉलर में कितना बना साढ़े तीन सौ डॉलर एक लाख साढ़े तीन सौ भी नहीं तीन सौ पच्चीस डॉलर बना तकरीबन अब वो बंदा उसकी तरह समझ सुने तीन सौ पच्चीस डॉलर लगा के वो दो लाख डॉलर लेने का ख्वाहिशमंद है कि जी मैं दो डॉलर के ऊपर बेचूंगा तो तीन सौ पच्चीस डॉलर का दो लाख डॉलर में लूंगा तो मुझे बताएं मजाक चल रहा है कोई है मुफ्त में कौन सी चीज मिलती है यहां पे वो कहते है, मैं एक परसेंट दो सौ डॉलर नहीं दूंगा विदड्रॉल का अगर आप यूएसडीपी में लगाए तो यूएसडीपी जिस रेट पे बिक रहा है आपका तो सो डॉलर नहीं बनता लेना आपने दो लाख डॉलर है सो डॉलर देते हुए आपकी जान जा रही है तो लेने लेना ही है बस यहां पे देना नहीं है और अब मैं आपको बताता हूं कि दो डॉलर के ऊपर आएगा क्या ये भी सुन लें पचास एक्सचेंजेस पचास एक्सचेंजेस अगर आपको बल्कि जिन्होंने सवाल किया उनको तो समझ ही कोई नहीं है लेकिन मैं आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पचास एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करने के लिए कंपनी को पचास एक्सचेंजेस को पैसे देने पड़ते हैं और पर एक्सचेंज जिसमें टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री की मिला मिलू के पर एक्सचेंज जो है वो कमस, कम अज कम कम अज कम एक लाख डॉलर बनता है तो पचास लाख डॉलर ये हो गया फिर उसके बाद कम अज कम एक एक लाख डॉलर की लिक्विडिटी डालनी पड़ती है तो मतलब पचास लाख ये हो गया उसके बाद कंपनी ने जो बाकी प्रोजेक्ट चला रही है जहां से यूटिलिटी लेके आनी है उन प्रोजेक्ट को बनाने में चलाने में मार्केटिंग करने में ऑफिस एक्सपेंस में बहुत सारी चीजों में पैसा है ये सारा पैसा है तो जाके आपका पचास एक्सचेंज इस लिस्ट होना है और तो जाके आपकी यूटिलिटीज आनी और तो जाके आपने साढ़े तीन सौ डॉलर का आपने एक दो लाख डॉलर लेना है आई समझ ये जो कंपनी वन परसेंट ले रही है आप नहीं देना चाहते मैं फ्री करता हूं मैं आपको सारे कॉइन कर देता हूं हंड्रेड परसेंट कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं है कुछ नहीं है भाई मेरे पास मैंने घर से तो पैसे लेके नहीं आने ये एक एक परसेंट आपने देना है वो भी जो अभी तक दिया वो USB वालों का उतर गया उसमें कंपनी को, को कोई पैसा नहीं आया अभी जो बी एफ आई सी की मद में देंगे वो भी लोगों के पास जो बी एफ आई सी पड़ा वही से आएगा कंपनी को कुछ नहीं देना लेकिन उसे बाकी प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा कंपनी या तो पैसे लेती है फायदा लेती है तो यहां पे कंपनी को अगर फायदा हो रहा है बी एफ आईसी प्रोजेक्ट में तो कंपनी वो चार्ज कर रही है नहीं कर रही कोई बात नहीं मैटर ना दे जिसको तकलीफ हो रही है एक परसेंट देने में ना दो कोई भी ना दे मैं क्या करता हूं भाई कल के दिन में सारे विड्रॉल करता हूं आपके सारे बिल ऑफ टोकन आपको देता हूं और मैं किसी डीजी फिन के ऊपर लिस्ट हुआ हुआ वहां पर मैं ट्रेड शुरू करा देता हूं कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं पचास एक्सचेंज की कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं यूटिलिटी देने की कंपनी की कोई जिम्मेदारी दो डॉलर की ओके फिर आप अपना जो दिल करे वो कर लें लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कंपनी यूटिलिटी भी दे कंपनी आपको पचास जिस पे भी दे कंपनी आपको दो डॉलर की प्राइस के ऊपर भी लिस्ट करवाए अगर ये सारा कुछ चाहते हैं तो भाई कल से आपने पांच परसेंट फीस देनी इन शेप ऑफ़ क्यों क्योंकि कंपनी को ये सारे काम करने के लिए पैसे चाहिए और यूएसडी में चाहिए अब अब वो खत्म हो गए खेल यूएसडीबी और बी वाल, वाला और बी वाला मजाक चल रहा है कंपनी इतना कुछ करती है मजाक होता है वो सारा कुछ ये बताएं आज तक आपने जितनी चीजें देखी कंपनी के हवाले से कि कंपनी ने इतने प्रोजेक्ट डेवलप कर लिए कंपनी ने मुझे बताएं कंपनी ने आज तक अपनी कौन सी मिसकमिटमेंट की है बताएं देर सवेर हुई है जो जो कमिटमेंट किए कंपनी ने वो ऊपर वाले ने उसको पूरा करवाया कोई एक कंपनी बता दें जो यहां से समझदार उठ के गए जिन्होंने अपनी कंपनी बनाई हो क्या डिलीवर कर दिया उन्होंने क्या दिया लोग डूबे लोगों को नुकसान हुआ है यहां पर किसका नुकसान हुआ है मुझे कोई एक बंदा निकाल के दिखाए कि जी मेरा एक रुपए का भी नुकसान हुआ है या कोई ये बंदा कह दे कि भाई मैंने कंपनी को यह पैसे दिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने कंपनी को पैसे दिए कंपनी को कहां से दिए भाई कंपनी ने कब अपना टोकन दो आईटीओ के बाद कंपनी ने कब टोकन बेचा बताएं कोई मुझे साबित करे कि कंपनी के, के वॉलेट से कोई टोकन निकल के गया हो जो कंपनी ने बेचा है या शुरू में पांच छह लाख जो बी बेचा था उसके बाद कंपनी के वॉलेट देखे वहां से दिखाए बताए मुझे ब्लॉक पे पड़े मैं ना बताएं ट्रांजेक्शन देख के कंपनी के, के वॉलेट से कोई बी मार्केट में बिकने गया हो दिखाए मुझे साबित करें मैं आपको पैसे भरूंगा जितने कॉइन गए होंगे बिकने के लिए उतने कॉइन की करंट वैल्यू के हिसाब से पैसे दूंगा कंपनी को क्या दिया किसी ने जितना दिया उसे कई गुना ज्यादा बेनिफिट लिया आपने ढाई डॉलर के ऊपर पांच लाख टोकन खरीदे थे कंपनी से कंपनी ने आपको सत्तर लाख कॉइन दिया हर रेट के ऊपर दस पे पंद्रह पे बीस पे पच्चीस पे तीस पे पैंतीस पे चालीस पे एवरेज हर बंदे ने हर रेट के ऊपर मजे लिए कमाए हैं पैसे बी लव कंपनी ने दो आरटीओ में दिया बाकी साढ़े अठारह अरब आपने ही बेचा अठारह पे भी आपने बेचा पंद्रह रुपए पे भी आपने बेचा दस रुपए पे भी आपने बेचा एक रुपए पे भी आप ही बेच रहे हैं। बताए कंपनी ने अगर बेचा हो तो या कोई बंदा कहे कि जी मैंने कंपनी से उमर खान से कॉइन मांगे थे तो उसने मुझे इतने कॉइन दिए थे कोई साबित करे बंदा है कोई बंदा ऐसा तो बात यह है कि मैं ओपन हूं मुझे कोई मसला नहीं भाई आपको एक परसेंट देने में मसला आ रहा है बल्कि अब कल से पांच परसेंट देने में अगर मसला आ रहा है कोई बात नहीं ना दे मुझे नहीं चाहिए क्यों मुझे जो चाहिए वो किस लिए चाहिए कि भाई मैंने ये काम करवाने हैं एक्सचेंज लिस्टिंग करवानी है मैंने बी लव के लिए मैंने वहां पे यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स करने मैंने ये करना है मैंने वो करना है बहुत सारे काम है मैं ये बंद कर देता हूं मैं नहीं करवाता मुझे कौन सी चट्टी पड़ी है मैं दिन रात टेंशन लेके बैठा रू नहीं से नहीं स्ट्रेटजी नहीं से नहीं पंगे नई से नई प्लानिंग नई से नई चीजें आप लोग को दे रहा हूं और आज मैं आपको बताऊं अब हम बात करते हैं एक और शेयर करता हूं एक दोस्त ने मुझे कहा उसकी भी सुन ले एक दोस्त ने कहा कि जी मेरी नजर में बुलेटो प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप है ये कहा मुझे उसने मैंने कहा अच्छा मैंने कहा गौर किया जाए कैसे फ्लॉप है जी भाई डेढ़ महीने में तेतीस मिलियन डॉलर इस प्रोजेक्ट से लोगों ने कमा लिया कितने लोगों ने सतर हजार लोगों ने तेतीस मिलियन डॉलर कमा लिया लोगों ने मुझे कोई दुनिया की एक कंपनी तो उठा के दिखाए जो आपकी नजर में हो जिसने तेतीस मिलियन डॉलर तक पहुंची भी हो दो से तीन मिलियन डॉलर किसी कंपनी के पास आता है ना उसके किसी प्रोजेक्ट में तो कंपनी के हाथ पैर भूल जाते हैं जो ऑनर होते हैं ना उनको ये समझ नहीं आती कि अब ये पैसा मैं लपेटू कैसे और मैं निकलू कैसे और इस पैसे को मैं आगे इस्तेमाल कैसे करूं दो से तीन मिलियन की बात कर रहा हूं यहां पे एक प्रोजेक्ट जो आपकी नजर में ऐसा है कि प्रोजेक्ट ऐसा कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ ठीक है तो मेरी नजर में भाई ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और ठीक है डिस्टर्बेंस आ रही थी यूएसडीबी की शेप में वो खत्म हो गई है अब जो आपको पता है इसकी स्लॉट के चार्जेज अब ऑटोमेटिकली देखिए आप प्रोजेक्ट दौड़ेगा ये मुझे पता है प्रोजेक्ट दौड़ाना कैसे है रीजन क्या है कि मैं उन लोगों से मशवरे नहीं लेता जिन जो लोग अपनी पान की दुकान ना चला पाते हैं क्या समझे तो थोड़ा सा अगर आपको लगता है लॉजिक ठीक है ये बात ठीक है कि कंपनी अगर वन परसेंट चार्ज कर रही है तो उसके बदले आपने दो लाख डॉलर का सोचा हुआ मैं कहता तो हूं दो पे नहीं निकलते दस हजार रुपये निकल जाए दो तो चलो बहुत बड़ी बात है मैं बात कर रहा हूं लेकिन कंपनी जिस तरह से कर रही है कंपनी जो कुछ कर रही है दो डॉलर से ऊपर जाएगी वो कैसे जाएगा ये भी मैं आपको बताता हूं ये देखे आपको लग रहा है दो डॉलर मजाक है मैं आपको दिखाता हूँ ये जाएगा कैसे बी स्टोर बी स्टोर को जरा गौर करना है इसमें होने क्या जा रहा है बी स्टोर में आपको फिफ्टीन परसेंट कैशबैक है ठीक है आपको क्या लगता है ये सीधा सीधा चलना है या हमने इसके हवाले से सोचा नहीं होगा अब एक मोबाइल वाला है ठीक है वो पूरा महीना काम करता है दो परसेंट तीन परसेंट चार परसेंट के ऊपर ठीक है पूरा महीना उसने मिसाल के तौर पे एक करोड़ का माल डाला हुआ तो उसको मैक्सिमम कितना होगा दस परसेंट पंद्रह परसेंट बच जाता होगा क्योंकि 2 -3 जो उसकी कमीशन होती है उसको रोटेट करना होता है दो तीन दफा मैं आप होलसेलर रह चुका हूँ अगर मेरे किसी पुराना दोस्त है मीटिंग में तो उसको पता होगा कि फीस सेंटर में, में मेरी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तीन दुकानें थी ठीक है मेरा आगे ऑफिस था बड़ा जहां से मैं तकरीबन कोई छः सात सौ मोबाइल शॉप्स को मैं माल होलसेल में देता था ठीक है तो लोगों ने क्या करना है लोगों ने क्या करना है कि यहां से अपनी प्रोडक्ट बेची यहां से अपना पैसा डाल के खरीद ली जो कि एन में होता है तो डाल दी उन्हें पता है कि पंद्रह दिन बाद मुझे पंद्रह परसेंट का प्रॉफिट होना है या दस दिन बाद जब कंपनी की तरफ से पेमेंट रिलीज होनी तो मुझे दस परसेंट का प्रॉफिट होना है इस तरह लोगों ने क्या करना है पूरे पूरे महीना करना है महीने में, में तीन सर्कल गुमाने अपने पैसों के ठीक है तो लोगों ने पैंतालीस परसेंट कमाना है वो एक परसेंट वाले प्लान कुछ और है ठीक है तो जब लोगों ने गाड़ियां लेनी है और जेनवन यहां पे जब गाड़ियां आएंगी तो आप देखिएगा इस तरह का बी स्टोर में क्या मसला था बी स्टोर में मसला था कि लोग जो आएंगे सेलर और बायर इनको मसला है कि भाई हम आईएनआर में पेमेंट करना चाहते हैं आईएनआर में लेना चाहते हम पीकेआर में पेमेंट करना चाहते हैं पीकेआर में लेना चाहते है। आपको जो एक चीज छुपाई भी थी ना क्यों आपको पता है, दुनिया में आईडी ही बिकता है यही एक क्वेश्चन मार्क था सबके पास दो क्वेश्चन मार्क थे कंपनी पंद्रह परसेंट कहां से देगी स्पॉन्सर को पांच परसेंट कहां से देगी दूसरा क्वेश्चन मार्क क्या था जी कि कंपनी जो है पेमेंट गेटवे हर बंदा तो कॉइन नहीं ले सकता ठीक है ना दे सकता है ना ये इस पर ज्यादा लोग समझ नहीं आएंगे तो कंपनी कैसे करेगी मैनेज ये जो दो क्वेश्चन मार्क थे ना अब प्रोजेक्ट रेडी हो गया लॉन्च होने वाला अब जब आपको मिलेगा ना इंटीग्रेट होके आप देखना हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि वो बी स्टोर के ऊपर आए सिस्टम ऐसा करने लगे कि आप आई एन आर में दे रहे हैं पेमेंट ठीक है और कंपनी को बी एफ आई सी में मिल रही है सेलर जो है उसको कंपनी बी एफ आई सी दे रही है लेकिन उसको अकाउंट में आई एन आर में मिल रहा है ये सिस्टम होने जा रहा है तो आप देखें बहुत सारे लोग हर बंदा क्या होगा हर बंदे ने क्योंकि उसको पता है कि मेरे कारोबार से मुझे इतना बचना नहीं बचना यहां पे मुझे महीने में तीन ट्रांजैक्शन हुई तो मुझे पंद्रह पंद्रह परसेंट करके मेरा पैसा हर महीने फिफ्टी परसेंट आना है कितनी बड़ी यूटिलिटी है ये बी कॉइन की कितने लोग होंगे जेनवन आस्था प्रोडक्ट्स जो डिलीवरी कर रहे होंगे जो घर ले घर पे बैठे बाय कर रहे होंगे बहुत बड़ा क्यों क्योंकि अब हम जिस सोल्यूशन के साथ आ रहे हैं वो आपको पता चलेगा कि बी स्टोर था क्या मैं बी स्टोर पे बात नहीं कर रहा था क्यों नहीं कर रहा था मैंने कहा एक दफा कंप्लीट होने दो जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा तो ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है सिर्फ दो कंट्रीज पाकिस्तान इंडिया दुबई ये तीन कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं इन तीन कंट्रीज में ऑफ़ डॉलर का डेली का लेन देन होगा जो सोलूशन जो जो थे ना हिडन इसके यानी के, के आइडियाज़ वो जो छुपाए हुए थे जब वो आपके सामने आएंगे ना तो बिलियन ऑफ डॉलर लोग यहाँ पे लेके आएंगे और इसके साथ जो अगला प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें वन परसेंट आपने अपने पैसे का डेली कमाना है वो कमाएंगे बी से उसके बाद ओके एफ एक्स दुनिया की सबसे बड़ी कह लो कि इंडस्ट्री तीन टाइम टू ट्रेवल इसमें भी वही काम होना है जो बी स्टोर में होना है तो मैं आपको बताऊं कि कंपनी चार रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट इस महीने में लॉन्च है कौन सी ओके एफ एक्स बी स्टोर टाइम टू ट्रेवल और ये जो मैंने आपको एक हिडन प्रोजेक्ट बताया जिसमें वन परसेंट है पर डे निकाल के दें मुझे कोई प्रोजेक्ट ऐसा कि पैसा आपके पास है वन परसेंट कमा रहे हैं पर डे तो ये जब प्रोजेक्ट इतने बड़े प्रोजेक्ट्स इतनी बड़ी यूटिलिटीज तो अमेज़न करें कि कंपनी जब पांच सौ वे दिन ट्रेडिंग पर डालेगी और इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर या बाकी जो भी प्रोजेक्ट आएंगे इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर लव होगा पेमेंट गेटवे तो एक ही दिन में बिलियंस ऑफ डॉलर की यूटिलिटी बी लव को मिलेगी ठीक है एक ही दिन में तो कंपनी को समझ है कंपनी को पता है और अगर आपको लगता है कि आप कंपनी से ज्यादा समझदार है तो मेरे भाई आप यार माइक बंद कर दें अगर आपको लगता है कि कंपनी से ज्यादा समझदार है मैं आप किसी को नहीं कहूंगा देखें जो लोग कंपनी की समझदारी के साथ अटैच रहे डेफा से आज तक आज उनकी जिंदगियां बदल गई हैं यहां पे भी अगर किसी को लगता है कि भाई वो ज्यादा समझदार है या कंपनी गलत कर रही है तो मेरी तरफ से आपको ओपनली है कि आप कहीं और देख लें कुछ और कर लें साइड पे बैठ जाए इसमें मुझे बुरा नहीं लगेगा कोई ऐसा मसला नहीं क्यों हम अपने राइट ट्रैक पे आ चुके हैं और जिसको लगता है कि फाइव परसेंट फीस ज्यादा है कैलकुलेट करके देख लें जीरो पॉइंट जीरो थ्री कल से प्राइस है कैलकुलेट करके देख लें अगर आपको लगता है कि फाइव परसेंट फीस कंपनी ज्यादा ले रही है और आपको एंड पे दो, दो लाख डॉलर और आपको आज के दो हजार डॉलर में अगर कोई फर्क लगता है कि यार नहीं बनता तो आप ना लें कोई बात नहीं आपके लिए तो ये प्रोजेक्ट था ही नहीं आपके लिए बेहतर है कि आपके कॉइन बरनो सौ दिन बाद जिसने ले लिए ले लिए जो नहीं ले सका उनके कॉइन बरनो और वो बर्न हुए हुए कॉइन का फायदा लोगों को अगर आपको पांच परसेंट देने में भी कोई मसला आएगा तो भाई बेहतर आप बर्न करवा लें अच्छी बात है कंपनी को भी फायदा लोगों को भी फायदा भाई आपकी वजह से हम उन लोगों को क्यों नुकसान दें जो लोग जिन लोगों ने पांच परसेंट भी दिया जो लोग वन परसेंट भी दे रहे हैं उनका विजन है उनका उनको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है उन्हें पता है कंपनी ने आज तक सिर्फ दिया ही दिया है लिया नहीं है और उन्हें पता है कि जो कंपनी कर रही है जो नजर आ रहा है आज तक ऐसा कभी किसी कंपनी ने दिया मुझे बताया बहुत सारी कंपनीज आई उन्होंने कहा हम ये यूटिलिटी देंगे ये करेंगे वो करेंगे किसने दी आज तक यूटिलिटी बताएं मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी जिसने डिलीवर किए हो प्रोजेक्ट्स जो इस तरह खुल के बैठे हो जिसकी मैनेजमेंट सामने हो बताएं कोई कंपनी कोई ऐसा बंदा लोग तो ये भी कहते हैं भाई मेरी कंपनी नहीं है मैं तो एज ए इन्वेस्टर हूं यहाँ पे मेरा एमएलएम से कोई लेना देना नहीं है लेकिन तुम इसमें काम कर लो इसमें इन्वेस्ट कर दो ये अच्छा प्रोजेक्ट है लो आगे अच्छा प्रोजेक्ट सामने जो बाकी गलत फैमिलियों में बैठे हुए है ना पता चलेगा दो तीन मिनट ठहर जे नहीं, नहीं बहुत अच्छी चीज होती है आपको उनके भी सारी अक्लमंदियां समझदारियां नजर आ जाएंगी जब अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे अभी तक तो वो कम जो हमने सिखाया हुआ पढ़ाया हुआ वो चल रहा है ना जब अपने दिमाग पे पड़ेगी ना जब अपने गले में ढोल डाल ढोल तो डाल लिया है अब जब बजाना पड़ेगा ना तो फिर पता चलेगा कौन कितना समझदार है तो उनका भी समझ आ जाएगा तो मुझे बहारल बात करने का पर्पज ये है भाई गुड न्यूज ये है कि कल से पांच परसेंट है और यूएसडीटी में लगेगी बीपी ट्वेंटी यूएसडी ठीक है ओके मेरी तरफ से इतना ही है और कोई बात जी कोई करना चाहता तो करें जी बोले सर उमर सर थैंक यू सर आपने जो अपॉर्चुनिटी थी वो सभी के लिए एक ही जैसी है क्योंकि अभी आ, मैं बात ही कर रहा था कहीं ना कहीं टाइम टू तो ट्रेवल की अगर वो टिकट बाय होना अगर हो गया वो गेट वे तो टिकट क्या अगर आप दिखा सकते हैं कंपनी ने इतना रिलीव दिया आसन टाइम टू ट्रेवल का लिंक दे दो ओके, ओके ओके यार आठ बजे का आपको कहा था अभी टाइम है यहाँ पे बीस मिनट है वेट कर लें अच्छा तो कंपनी ने बेनिफिट दिया कि यार लोगों को वन परसेंट कर दें प्राइस ज्यादा बढ़ गई है जीरो पॉइंट टू हो गई तो पांच परसेंट की जगह एक परसेंट का लोगों को दे दें कंपनी अपॉर्चुनिटी की यार चलो एक परसेंट पे ले लो ठीक है खाब मैं देख रहा हूं दो लाख डॉलर के कि मैंने एक लाख टोकन है जी मैंने दो लाख डॉलर का बेचना है मैंने अपनी जिंदगी बदलनी भाई जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो रिस्क लेते हैं और दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता क्या समझे हैं आपको कंपनी ने जितना मुफ्त में दे दिया वो दे दिया अब जो बाकी कमिटमेंट्स पूरी करनी उसके लिए कंपनी को भी कुछ मुफ्त में नहीं मिलना उसके लिए भी कंपनी के पैसे लगने हैं ठीक है तो जिसको समझ नहीं ना आती वो ना दे पड़े रहने दे कॉइन कोई बात नहीं बर्निंग हो जाएगी मैं चाहता हूं वो लोग पछताए पांच सौ दिन जब जो जिन लोगों ने ट्रस्ट किया जब वो एक अच्छे बेनिफिट लेके फॉर एग्जाम्पल एक लाख डॉलर लगाया था, एक हजार डॉलर लगाया था और उसको सत्तर हजार डॉलर निकल आया मैं दो लाख की बात नहीं करता फॉर एग्जाम्पल मैं कहता तो पचास हजार डॉलर निकल आया फिर समझ आएगी लोगों को और समझ हमेशा हमारी प्रोजेक्ट की हमारी चीजों की हमारी बातों की बाद में ही आती है जी शाहजी जी सीनियर हमारे साथ है कुछ कहना चाहते हैं जी हेलो जी किंग खान साहब जी सीनियर महेश जी बस सर आपकी बातों को समझ रहे हैं कि मार्केट में किसको कैसे क्या समझाना है नहीं किसके किस लिए बेहतर है किस तरीके? नहीं दो ऑप्शन मुझे बता दे कैसे चलाएं किसके ऊपर मैं, मैं सुबह लिस्टिंग करवा दूंगा सुबह ट्रेडिंग स्टार्ट करवा दूंगा कोई जिम्मेदारी नहीं दो डॉलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई इसकी प्राइस क्या होगी सारे ले लो विड्रॉल जाओ कर लो कोई यूटिलिटी की जिम्मेदारी नहीं है कर ले जो करना है लेकिन अगर हमने एज पर रोड मैप चलना है तो उसके लिए तो भाई आपको देनी पड़ेगी फीस तो इसका मतलब बस यह हुआ कि 1% की जो ऑफर है वो अब ये आखिरी ही आज अगले दो महीने कभी नहीं मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल सर अब देंगे दो अब ये पांच परसेंट ही देंगे लोग नहीं देंगे तो खत्म ओके ओके चलो एक और चीज है मैं सूरतन से डिस्कस कर लूंगा सोरतन अगर आ, कहेंगे कि ठीक है जी अगले दो महीनों में वन परसेंट होना चाहिए तो इसको कंसीडर किया जा सकता है और इसके ऊपर करेंगे कि करेंग Bfic में हमने करना है कल अभी इसके बाद हम सो रतन की मीटिंग करते हैं तो uh, Bfic okay. में करना हमने या हमने यूएसडी में करना है, ये बता देंगे कर लेते हैं डिसाइड कोई बात नहीं थैंक यू थैंक यू उमर भाई बहुत शानदार डिसीजन आपका काबिल तारीफ सारी कम्युनिटी बहुत खुश है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सर सोरतन में नहीं जो भी कुछ तोहफा देना है कम्युनिटी के सामने ही दे दें इतनी पैनिकता में ना लाएं मुझे बताए येल कंपनी ने सर बिल्कुल हंड्रेड परसेंट आपने सारी चीजें सही बताई है और वो मैसेज मैंने भी पढ़े हैं लेकिन देखिएगा वो चंद लोगों के मैसेज की वजह से ये कम से कम ग्यारह हजार लोग जो आज मीटिंग सुन रहे हैं ये पैनिक ना हो ठीक है कोई सो रतन कोई नो लीडर कुछ नहीं होते अगर टीम है तो हम है और हम हैं तो आप है इसलिए जो भी कुछ डिसीजन है आपका कम्युनिटी के लिए वो सर क्लियर कर दें और जो भी डिसीजन आप लोगे वो बेहतर लोगे मुझे उम्मीद है कि सारी कम्युनिटी उस बात से खुश होगी तो वकी सौरतन और नौ रतन की बात छोड़ा आज करने, कर... करने के चक्कर में ही तो मैंने आज अपने ये हाल पहुंचा मैंने कल इतनी बातें सुनी है लोगों की सर आप तो सुनिए आपको तो ऊपर वाले ने पैदा इसीलिए करा है कि आप लोगों की भलाई करते रहे लोगों की सुनते रहे है ना तो आप पीछे हटने का काम नहीं है जब ये बीड़ा उठा ही लिया है तो ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा सर जो बड़े होते हैं ना उनको ही सबसे ज्यादा चोटें लगती है कोई नहीं, वोटिंग कराते कर हैं वोटिंग करवाते हैं कोई 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 वोटिंग वोटिंग नहीं नहीं सर नो 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 है आपका डिसीजन ही सर पर है हमारे लिए ओके नहीं नहीं ये मैं बीच में से ये यूसुफ है हमारे साथ जी आपको माइक ऑन किया बोले जी यूसुफ साहब नहीं ये यूसुफ का नहीं हुआ ये वीवो वाय सेवेंटी टू का हुआ मेरे ख्याल से यूसुफ़ का हुआ देखें किस किस का हुआ हाँ जी सर ये खान जी का हाँ करें जरा इनको म्यूट इनसे भी पूछूं जरा बताए हेलो जी वालेकुम सर नमस्कार जी नमस्कार जी वालेकुम अस्सलाम सर मैं आपसे बात करने के लिए बहुत काफी टाइम से तरस रहा था कि उमर खान साहब से बात करनी होगी भाई ये बताएं कि जो मैंने आज बात की है कि भाई डॉलर पर लिस्ट करने के लिए की सारा कुछ करना पड़ेगा और उस सारे कुछ करने के लिए हमें वन परसेंट या फाइव परसेंट फीस चार्ज करनी पड़ेगी ये समझ आती है लॉजिक सही दे रहा हूँ मैं आपको सही बात कर रहा हूँ बिल्कुल सही दे रहे हो सर राइट दे रहे हो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट ये सही है आप जो भी बोल रहे हो सर आप मैं क्या हम फीस ना ले और बगैर यूटिलिटी और बगैर उसके ट्रेडिंग पर डाल दें ये चाहते हैं या क्या चाहते हैं आप नहीं नहीं फीस लेनी चाहिए अगर सब कुछ फ्री में दोगे तो फिर मतलब ही क्या रहेगा ओके अच्छा जी थैंक यू वेरी मच हमारे साथ है जी विजिंदर रावत माई कौन करें जी विजिंदर जी माई कौन करें विजिंदर जी माई कौन करें ओके जी हमारे साथ डिंपल माइक ऑन करें जी यार आपने रेस किया होता आपसे माइक नहीं ऑन होता डिंपल जी माइक ऑन करें यार शिवम करो यार किसी के माइक ऑन इन कम्युनिटी में से ओ, ओके सर ओके सर मोहम्मद रफीक सर आप अनम्यूटेड हैं मोहम्मद रफीक सर आप अनमिटेड हैं चले संजय सर संजय सूरत माइक ऑन करें जी हा, हाँ जी मोहम्मद रफीक साहब माइक ऑन हुआ आपका हेलो सर आवाज आ रही है आपको हाँ जी आ रही है हाँ जी बोलिए सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है सर मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो कंपनी ओके जी संजय जी बोले आप बोले संजय जी जी सर आवाज आ रही है आ रही है जी बोले 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 बिल्कुल सर हम लोग हंड्रेड परसेंट सहमत है आपसे रिक्वेस्ट है कि ये फी सी मिले। अच्छा जी ठीक है ओके थैंक यू अच्छा जी हमारे साथ हैं अनिल कुमार माइक ऑन करें जी अनिल कुमार अनिल जी माइक ऑन करें अनिल कुमार ओके नासिर हुसैन सैफी माइक कौन करें उमर सर एक बार चाह रहा हूँ सभी के हैंड डाउन कर देते हैं जिनको आपसे बात हैंड रेस करेंगे ये हमारे साथ माइक का इनका किया मैंने ऑन किसी का विजय कुमार माइक ऑन करें जी करें यार डाउन इनको यही नहीं पता ऑन कैसे करना यस यस जिनको भी uh, लगता है कि उमर सर के डिसीजन सही है गलत है सिर्फ वही लोग हैंडल्स करें जिनको उमर सर से बात करनी है प्लीज रिक्वेस्ट हाँ uh -huh. विजय कुमार जी आपका है प्लीज वेलकम जी विजय कुमार जी सर नमस्कार नमस्कार जी सर ये नहीं समझे थे जो एक परसेंट और पांच परसेंट वाला अच्छा चलें अभी समझ आ जाएगी थैंक यू हाँ जी और किसी का करें जी Exactly. जी मनम शेख माई कौन करें अपना मनम शेख माई कौन करें ये हमारे साथ हैं जी जी शेख हमारे हम, साथ जी, दीपक, से दीपक जी माई कौन करें जवेरिया हमारे साथ है जावेर माई कौन करें है सर। दीपक मल्होत्रा बोल रहा हूँ जी जी दीपक जी वेलकम एक दो सुजेशन थे जो आपसे क्लरिफाई करने थे सर पूछे सर जब रिवार्ड्स बंद हुए उससे कुछ दिन पहले कईयों ने आईडी लगाई थी ठीक है अब एक ओल्ड लेडी ने सात लाख की आईडी लगाई थी ओके अब उसमें आपने कहा कि विजेस फाइव परसेंट लगेंगे अब छह लाख का अगर फोर्टी सेंट के हिसाब से करें तो दो करोड़ से ऊपर बनता है अगर दो करोड़ का पांच परसेंट दे तो वो देख लो दस लाख से ऊपर बनता है तो क्या जो नए एक तो उनको रिवार्ड नहीं मिले और दूसरा वो पांच परसेंट फी पे कर रहे हैं या एक परसेंट फी पे कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ सोचो सर सर मैं एक मशुरा देता हूँ इन्होंने कमाना है बारह लाख डॉलर ठीक है छह लाख लिया होगा ये लेकिन ले। ये एक लाख ले, ले लेते उसके इनके थोड़े पैसे लगेंगे बाकी पांच लाख अपना वेस्ट करवा देखिए तो अच्छे पैसे निकल आए पचास हजार लाख डॉलर निकल आए तो मेरे ख्याल से ठीक है इनके लिए पांच लाख जाया करते जरूर है जो टीम लीडर ने उनको कहके ओल्ड लेडी अराउंड एटी ईयर्स उसको लगवाया है उसने है। पहले तो कहा कि आपके पांच गुना बनेंगे उसके बाद वो बंद हो गए तो चलो आपने इतनी अच्छी यहाँ पे वो देते हैं कि भी उसको मोटिवेट कर दिया कि भाई जो जितने हैं चल छह लाख लगाए तो बीस तीस हजार आपको रिवार्ड आए और छह लाख बीस हजार से ही आपको काफी प्रॉफिट हो जाएगा अब अगर उसको कल हम नया कहेंगे कि इस पे 5%, 40 सेंट के हिसाब से या थर्टी सेंट के हिसाब से पे कर दे तो वो तो हमारे सिर पे जुतियां मारेंगे जब आप उनको ये बताएंगे ना कि भाई ये फीस चार्जेस इसलिए हैं कि आपको कंपनी ने जो कमिटमेंट की है पचास एक्सचेंजेस दो डॉलर लिस्टिंग ह्यूज यूटिलिटी जिससे आपने आज जितनी भी इन्वेस्टमेंट किया आपको कम से कम टेन ट्वेंटी फिफ्टी हंड्रेड परसेंट उसका मिलेगा ठीक है तो मेरे ख्याल से सबको कारोबार तो सबको आता है ना? सर, है सर, तो आप, तो आप मीटिंग्स देखने के बाद मैन ऑफ कमिटमेंट वर्ल्ड वाले कहते हैं कि यू आर ए मैन ऑफ कमिटमेंट अब हम अपने कोई जूनियर को ये कहें जो हमारे कहने पर ये लगे उन्होंने पंद्रह दिन पहले लगाई स्टेकिंग और अचानक ही रिवार्ड्स बंद हो गए उसके बाद हमने उसको समझाया कि भई जो भी की कर रहे हैं हुए। वो सब मैं आपको बताते सुने मैं आपको ये भी ऑप्शन है कि भई हम आपको 500 दिन तक रिवार्ड देते रहते हैं ठीक है सप्लाई मैं कहता हूँ बीस की जगह पांच हजार बिलियन हो जाए ठीक है लेकिन गारंटी कोई नहीं वो है। वो मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूँ आपने आपकी मीटिंग मैंने देखी है मैं सिर्फ इस एक एक नहीं होंगे हजारों लोग होंगे जिन्होंने पंद्रह दिन पहले स्टेकिंग की है पहले तो उन्होंने अपने टीम लीडर्स के कहने पे स्टेकिंग कर दी हमने का फाइव टाइम नहीं थ्री टाइम्स मिलेगा जो 300 सौ दिन का जो भी 200 सौ दे बचे हुए हैं लेकिन अब उनको समझाया कि भाई वो कंपनी सप्लाई को कम कर रही है तो आपको बेनिफिट होगा कि आपके रेट बढ़ेंगे अब आज नई बात होगी कि फाइव परसेंट लगेगी और वो भी फोर्टी सेंट तो पे आप तो आपके पास

अब अगर मैं कल को थर्टी सेंट हो रहा है अब मैं उनको कहूंगा कि थर्टी सेंट इन फाइव परसेंट पे कर दो तो वो कहेंगे कि मीटिंग्स का आप मुझे भेजते हो लिंक आप इतनी तारीफ करते हो उमर सर की उन्होंने कहा था फाइव हंड्रेड डेज बाद फ्री होगा तो हमारे जो हंड्रेड रतन है उसमें एक भी बंदा क्रिटिसाइज नहीं करता अपने क्रिटिसाइज अगर अगर सब करते हैं और सब ने किया कल लेकिन आज मैंने आज बिना बात मैं तो एक बात आपको कह रहा हूँ आप सिर्फ ये इस ऐसे लोगों की आप सोच लो जो एक एक महीना पहले ही लगे हैं वो बेचारे पहले तो उनके रिवार्ड नहीं आए अब वो अपना ही स्टेकिंग विड्रॉ करने के लिए पैसा दे रहे हैं सिर्फ इस चीज पे आप सोच लो बाकी तो हमने सब कुछ मोटिवेट कर दिया उनको अब ये मेरी बात हमने करोड़ों लोगों को फ्री अकाउंट दिए हैं फ्री करोड़ों लोगों को ठीक है और हर बंदा चाहता है कि भाई मैं हजारों डॉलर कमाऊं करोड़ फ्री लगा के तो भाई फीस तो देनी पड़ेगी ना कंपनी ने कहा से एक्सचेंजेस लिस्ट करनी है

क्यों कि नहीं कर रहा बाकी कुछ कमा चुके हैं रिवार्ड्स ले चुके दे हैं लेकिन मैं उनके बारे में आप सोच लो जो एक महीना पहले ही लगाया और वो अपना देपर, ही देपर की एक, करने बात सुने जिन लोगों ने तो अपनी अपनी किस्मत हो गई ना किसी ने महीना पहले लगाया या किसी ने यानी कि आठ महीने पहले लगाए थे जिसने आठ महीने पहले लगाए एक लाख वो आज पचास लाख पॉइंट का बेनिफिट ले चुका है ठीक है जिसने छह महीने पहले लगाया वो चालीस लाख का बेनिफिट ले चुके है हर बंदा अपने पैसे कोई कह लो कि हजार लगाया था तो लाख लाख डॉलर निकाल चुका है हाँ जी सर वो तो सारे पे कर ही रहे हैं मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ जी एक जी, बड़ा दीपक जी अरे यार दीपक जी एक बार होल्ड करिए मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ आपका भी क्वेश्चन का आपको तो मिल जाएगा एक होल्ड करिए जी उस पर नहीं आया तो भेज हेलो 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 ओके भाई जी मना मनाली मैम आप अनम्यूट हैं प्लीज हेलो जी भाई नमस्ते आ, भाई दीपक जी से मैं कुछ कहना चाह रही थी कि ये जो केसेस है ये सभी के टीम में है और ये जो सिचुएशन आई है ऐसा नहीं था कि हम किसी को भी पता नहीं था हम लोग बिल्कुल भी अनअवेयर थे ऐसा नहीं था हम सबको पता था कि एक दिन रिवॉर्ड धीरे धीरे बंद हो जाएगा एक दिन यू नो रिवॉर्ड आना बंद हो जाएगा तो ये सिचुएशन हम सबको पता थी और ये अगर हम लोग एक एक केस को डिस्कस करने लग गए या एक एक केस के बारे में सोच सोच के अपनी डिसीजन चेंज करने लग गए तो मुझे नहीं लगता हम लोग कोई भी सही डिसीजन पे पहुंचेंगे और ये जो है हम लोग स्टार्टिंग से यहाँ पे है तो ये जो छोटी सी जो वन परसेंट की कम्युनिटी है जो एंड में आई है उसको हम बड़े आसानी से टेक केयर कर सकते हैं जैसे सर ने बोला कि हमने अपने यूएसडीबी दे के यू नो करवाए तो ये सभी ने करवाया है और ये हम सबका थोड़ा बहुत बनता भी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कमा चुके हैं तो सर ये सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम सबकी टीम है हम सब ने कमाया है हम सबने उनके वजह से हमने भी बेनिफिट लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम अपना यूएसडी भी खर्च करके थोड़ा बहुत जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं उनकी हेल्प कर दें सो दिस इज इट सर थैंक यू देखिए ये एक परसेंट की वजह से हम पूरी कम्युनिटी जितने भी लोग हैं उनको लॉस नहीं फॉर एग्जाम्पल देखें ये तो चलो मेरी नीयत कुछ और है या मैं कुछ और जेन का मालिक हूं मैं बुरा नहीं मनाया हालांकि कल बहुत बदतमीजी लोगों ने किया है लेकिन मुझे जब मेरे सामने मेरी कम्युनिटी आती तो मैं अपने उन चीजों को बर्दाश्त कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं जज्बात में आके ये करूं कि भाई डीजी फिनिक्स पे लिस्ट हो गया जाके वहां पे ट्रेड करो कोई यूटिलिटी नहीं आ रही कोई दो डॉलर पे लिस्ट नहीं हो रहा कोई इसको क्या नाम है उसका पांच सौ यानी कि इसके पचास एक्सचेंज पे नहीं आ रहा क्या करेंगे लोग कंपनी ने सिर्फ टोकन ही देने है ना वो दे रही है फ्री लेना चाहते हो फ्री ले लो मैंने तो सारी ऑप्शंस दी हैं लेकिन अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो प्रॉफिट के साथ निकलना चाहते हो तो भाई ये थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी इतनी बड़ी ऑफर दे दी कंपनी ने कि भाई पांच परसेंट ना करके वन परसेंट दे दो और मैं आपको बताऊं ये जो आपका वन परसेंट है ना ये भी कंपनी के पास नहीं आ रहा ये भी जो कंपनी ने साढ़े आठ करोड़ यूएसडीबी लोगों को फ्री दिया था वो यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है या बाकी जो बी लोगों के पास पड़ा वो होगा मुझे बताएं कंपनी को क्या दिया बहरहाल ये सारी बातें छोड़े जी अः ये तो आप देख लेंगे इसको क्या करना है वो डिस्कस कर लेंगे लीडर्स के साथ बाकी मैं आपको बता दूं जी कल से जो है आपको पता है कि बुलेटों में बी का पेमेंट गेटवे लग रहा है ठीक है और वो पॉइंट टू फाइव के हिसाब से लगेगा पर बीबीटीसी तो बड़ा मजा आने वाला है बहुत ही जबरदस्त काम होने वाला है और आपका टाइम टू तो ट्रेवल जो है उस पर टिकट जब बाय करेंगे बहुत सारी यानी कि जो यूटिलिटीज आ रही है अब आपको मजा आएगा और असल मजा आएगा जब बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग शुरू होगी क्यों क्योंकि हम विद यूटिलिटीज आ रहे हैं हमारा कॉइन कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा और जब ग्रो करेगा तो उन बड़ी एक्सचेंजेस के जो मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं वो यूजर हमारे कॉइन में आएंगे देखेंगे आना शुरू हो जाएंगे और मजा आएगा हमने टारगेट ये बनाया हुआ है कि टोटल फोकस बी है और प्राइस इसकी पांच के ऊपर लेके जानी है ये हमने टारगेट बनाया हुआ है मुझे पता है बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कंपनी ने पहले पचास डॉलर का कहा नहीं किया कंपनी ये करी कोई ऐसा मसला नहीं वो एक होता है ना शेयर आया शेयर आया शेयर आया तो वो लग पता जाएगा इजी रहे मेरा सिर्फ आपको फिर एक मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कम से कम एक बी अपने लव वॉलेट में रख लें या मेटामास में रख लें एक्सचेंजेस में ना रखें एक एक बी एफ साइड पे कर दें ताकि आपके बच्चों की लाइफ में परिवर्तन आए जी हमारे लीडर्स कुछ उम्ण कहना उम्ण चाहते, उम्ण हैं। उम्ण चाहते हैं जी सर एक बात भी कहना चाह रहा था मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हंड्रेड डेज का विदड्रॉल की लिमिट आपने दी है मैं सोच रहा था कि ये विदड्रॉल का जो टाइम है ये आप हटा दीजिए जब व्यक्ति अपना विद्रॉल कर ले तब वो ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल हो पाएगा ऐसा कोई व्यवस्था कर दीजिए क्योंकि लोग इसलिए पैनिक हो रहे हैं कि बर्निंग शब्द आ रहा है तो आप उनके लिए बस ये कर देखा तो ना मैं इनके बेनिफिट की बात कर रहा हूँ बाई प्राइस दो डॉलर पे जाके लोग विद्रॉ लें और हम उनसे फॉर एग्जांपल वन परसेंट भी लें एक लाख के पीछे कितना लगेगा पता है आपको नहीं भाई ये तो आप सही कह रहे हैं लेकिन ये हो सकता है ना कि जो पैसा भी ना हो ये इंस्टेंट कैपिटल देने का पर्पज भला क्या है कि भाई इससे पहले के प्राइस बहुत ऊपर चली जाए और उस वक्त लोग विड्रॉल चार्ज दे के ले रहे हो तो लोगों के लिए बहुत मसला होगा ये थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करे ना तो कंपनी लोगों के बेनिफिट के लिए सारा कुछ करती है ये जरा समझ आ जाए यहाँ पे यह, यह, ऐसा कोई व्यवस्था बने है, कि जब वो टाइम आए तो हो सकता है कि कि जो जो उसका है, जो उसका है वो वो इस लायक हो कि उसकी वो मदद कर पाए करने में अच्छा मैं, ऐसा जी, हो जी, मैं जी सुने मैंने ना अपने जो भी अब बात करता हूँ आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट मीटिंग में आपको कहा कि भाई कल फलानी एक्सचेंज आएगी फलाना आएगा फलाना आएगा और मंडे वाले दिन टाइम टू ट्रेवल लाइव होगा आप देख रहे हैं कि हम वो बात अब मैं कर रहा हूं जिसको पूरी हो पूरा करें ठीक है ये हंड्रेड डेज की तो बात है ये डेज रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं आता जिसको समझ आती करे नहीं आती ना करे कोई बात नहीं मैं चंद लोगों के चक्कर में पूरी कम्युनिटी को स्टेक पे नहीं लगा सकता ठीक है मेरे लिए मेरी पोजीशन पे आके देखें हम जिस पोजीशन पे इनोवेशन फैक्ट्री या मैं हूं ना सर हमारी मजबूरी है लोगों को प्रॉफिट में निकलवाना अगर हमारे प्रोजेक्ट में अल्लाह ना करे किसी को नुकसान होता है ना तो सर दुख भी होगा तकलीफ भी होगी और शायद ये चीज मैं खुद भी ना बर्दाश्त कर क्या समझे तो मेरी मेरे लिए भी फेवर करें ये मेरी फेवर है कि मैं चाहता हूँ लोग बेनिफिट में निकले सिंपल और आपको मैंने आज खुली डुली बातें बता दी कि कंपनी खुद से कुछ नहीं ले रही है अगर लोगों को ये लग रहा है वन परसेंट कंपनी रही तो ऐसा कुछ नहीं है भाई ये जिसने कल से पांच परसेंट देना है, वो कंपनी नहीं कमा रही वो लोगों को ही उसका बेनिफिट होना है और वो कंपनी के ऊपर ही लगने हैं हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी लगाएगी आपने देख लिया मिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी ने लगाए हैं कंपनी के ऊपर डिफरेंट जगह पे प्रोजेक्ट्स पे इवेंट्स के ऊपर मार्केटिंग uh, के ऊपर डिफरेंट जगहों पे मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं तो यहां से एक्सचेंजेस के ऊपर यूटिलिटीज के ऊपर हर चीज के ऊपर तो यहां से आपको इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि भाई कंपनी पैसा लगाती है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी के पास कुछ भी जा रहा है तो वो कंपनी लगा रही है उसको नजर आ रहा है बाकी मुझे कोई ये कंपनी दिखाएं जिसने कहा हो गए हम लगाएंगे करेंगे किसी ने लगाया हो आया हो नजर ठीक है उमर खान जी जी बोलिए बोले सर चले जी असलम सर वाले सर जी जी बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो ये सक्सेसफुल मीटिंग चल रही है इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली और बहुत सारी बातें पता लग गई हमारे फ्यूचर को लेके ले हम एक सिक्योर कंपनी के अंदर है पर उमर सर कुछ बातें हैं जो टीम के अंदर से और जाहरी तौर पर मैं भी आपको तो बताना चाहूँगा टीम का अभी एक ही मशवरा हमारे साथ में आ रहा है उमर सर ने जब बिजनेस पे स्टार्ट किया था प्लान को स्टार्ट किया था तो उमर सर ने ये बोला था कम्युनिटी को कि आप साढ़े बारह सौ डॉलर लगाओ और एक लाख डॉलर पे एग्जिट ले दो ये हो सिर्फ इसी बेस पे बारा था सर पांच सौ परसेंट हमको मिल पा रहा था पांच गुना हो पा रहा था कम्युनिटी ने तो अपना माल लगाया हुआ है ऑलरेडी पर वो, वो पांच गुना हो ही नहीं पा रहा है तो बंदे एक लाख डॉलर पे मेरे भाई मेरे भाई मेरी बात सुने ये हमने क्लियर किया था कि जो पहले आईटीओ में लेगा उसको फा और उसका वन मिलियन बनेगा और ये पहले बताया था जो जितनी लेट आएगा उसको उतने टोकन लेट मिलेंगे ये सारी बातें पहले हमने क्लियर की थी जी जी सर बिल्कुल आपने क्लियर की थी और मैं उस बात से बिल्कुल, बिल्कुल इतफाक रखता हूँ बट इसमें सर एक चीज ये है अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई जो बेसिकली हमारे टोकन अंदर पड़े हुए हैं वो बर्न हो जाएंगे अब सर अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें किसी भाई को हमने आज से दस दिन पहले बीस दिन पहले या सौ दिन पहले ज्वाइन कराया था बंदे के बारे पहले बारे। हुई है मेरे भाई वो, वो ही बात है इसका जवाब दे चुके हैं ठीक है चंद लोगों को नहीं खराब कर सकते बेनिफिट तो ले लिया आज तक और बहुत सारे लोग जो चंद लोग जो एंड पे आए हैं वो बेचारे बेनिफिट नहीं ले सके लेकिन इस बात से आप तसली रखें यहाँ पे जितनी कम्युनिटी है हर बंदा प्रॉफिट में निकलेगा

मैं तो कह रहा हूँ जी मजबूरन सर बंदे पे फंड नहीं हो पा रहा अभी देखिए भाई अभी सौ दिन है कर लिया ले रेंज ले ले को जी ऐसी चल रही है मैं नहीं कह रहा कि अभी ले लो सौ दिन पड़े में अस्सी दिन पड़े में अस्सी दिनों में ले लो कौन सी जल्दी है इसमें भाई दो लाख डॉलर किसने लेना है ये बताएं दो डॉलर लेने है कम्युनिटी के सर भाई दुनिया में कुछ मुफ्त थोड़ी मिलता है या बगैर किए कुछ तो कुछ थोड़ी तोड़ी 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 है।, है भी कुछ करना है आपने जो फीस देनी है उसी से सारे काम होने हैं लिस्टिंग होनी है उसी से यूटिलिटीज उसी से सारा कुछ होना है कंपनी को आपने तो इसके अलावा क्या दिया मुझे बताएं आपने दस लाख टोकन लिस्ट अपने स्टेक पे लगाए क्या कंपनी से लिए थे आपने तो बाहर से लिए कंपनी ने तो ये भी सैक्रीफाइस कर दिया कि कंपनी ने कहा जी सप्लाई ज्यादा हो रही है तो कंपनी ने जो थर्ड आई करना था वो भी कैंसिल कर दिया यार नहीं करते कोई बात नहीं सप्लाई ज्यादा हो रही है

हसन <laughs> क्या बना उसका टाइम टू ट्रेवल का और किसका भेजो लिंक इसका ओके ओके तो तो जी वो लिंक आ जाता है अभी ठीक है वो उसकी कोई सेटिंग शूटिंग कर रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं वो लिंक आ जाता है और आपको एक और बात बता दें जी बुलेटो में आपको पता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज होना है तो ये 12 से 24 घंटे के लिए कल के दिन में बंद होगा ये आज रात को 12 बजे तक बंद हो जाएगा बुलेटो ठीक है इसमें जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है वो होगा और ये कल देखें जब लाइव होगा तो बता देंगे आपको तो मेरे ख्याल से इतना काफी जी थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी टेक केयर गुड नाइट बाय बाय